हाय दोस्तों, मेरा नाम है भविष्य व्यास। आपका स्वागत है फिर से रोज सीखो चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो किस तरीके से जाए, इसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो आपको ऑडिशन देना बहुत ही जरूरी है। ऑडिशन के बिना आप कहीं पे भी जा नहीं सकते, क्योंकि ऑडिशन वही एक जरिया है जिससे आपको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई मेरे दोस्त ने अगर समझो किसी ने भी अगर तुमको शूटिंग कभी देखी नहीं है, क्या कैमरामैन होता है, क्या डायरेक्टर होता है, क्या एक्टर्स कैसे काम करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट बॉय कैसे काम करते हैं, सेट कैसे लगता है, अगर किसी ने कुछ देखा ही नहीं, मतलब वो जीरो है इस मामले में, कुछ पता ही नहीं उनको, वो माहौल क्या होता है उनको, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल कुछ पता ही नहीं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जूनियर आर्टिस्ट में ट्राई कीजिए, तो आपको कम से कम मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से काम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे जो अपने काम में मतलब टोटली बिजी होते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, तो सबसे पहले मेरा ये एक राय होगा आपको कि आप जूनियर आर्टिस्ट के लिए ट्राई कीजिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा एक मौका मिलेगा। और जूनियर आर्टिस्ट में ट्राई करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आप जाओगे तो आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, सबसे आप बातचीत करो, सबसे आपको नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, आप ऑडिशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, कहाँ पे ऑडिशन होता है वो देख लीजिए, कैसे ऑडिशन होता है, कहाँ पे ऑडिशन देना है, किस तरीके से देना है, और फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होती है, ये सब बातें आपको जानने को मिलेगी। प्लस आपको एक माहौल क्रिएट होगा और आपको मालूम पड़ा कि हाँ भाई, इस तरीके की शूटिंग होती है, इस तरीके से काम भी होता है। तो मेरे हिसाब से आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक महीना आप वो काम कर लीजिए, और जिससे आपको फ़ायदा होगा। और आप अभी सोच रहे हो कि जूनियर आर्टिस्ट में जाने के लिए कैसे जाए, तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे फ्रॉड यहाँ पे चलते हैं मुंबई में स्पेशली, कि आप ये कार्ड बना लो, आपको हम लोग इधर काम देंगे, उधर काम देंगे। लेकिन मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए और मैं भी बहुत सारा धोखा खा चुका हूँ। लेकिन आपके लिए मैं आपको दो ऑप्शन देना चाहता हूँ, दो ग्रुप ऐसे जो ट्रस्टेबल है, जो 100% काम देते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला दोस्तों, ये एक फिल्म फैक्ट्री करके एक वो लोग का मतलब संस्था भी बोल सकते हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है, वो हम लोग को काम देता है, वो जो मीरा रोड में प्लेस करता है, आपको उसमें खाली 5,100 रुपया पे कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि पैसा पे करके तो काम मिलता नहीं, बात सही है, लेकिन ये कार्ड इसलिए बनाते हैं वो लोग क्योंकि कभी यूनियन का प्रॉब्लम हो गया, कभी आप काम कर रहे हो और अभी आपको समझो कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपको बनाना है ये कार्ड, आपको रेगुलर वक्त मिलता है इसमें। लेकिन दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप समझो 5,100 को पे करना है, तो आप पूरा मत पे कीजिए, आप खाली 2,000 भी पे कर सकते हो और बाकी के अमाउंट जैसे ही आपको काम मिलता है उसमें से आप वो पैसा लेके आप पे कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आपको अगर समझो आप जाते हो मीरा रोड में, तो आप दो काम जरूर कर कीजिएगा। वहाँ पे फिरोज भाई करके जो है वो मेन वहाँ के डायरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं वो है, तो उनका नंबर आप खास ले लीजिएगा, एंड नीरव भाई करके उनका नंबर आप खास ले लीजिएगा। बाकी जो कोऑर्डिनेटर्स है उसका नंबर तो वो लोग सामने से वो लोग प्रोवाइड करेगा, आप उनका नंबर ले लीजिए और आप रेगुलर फॉलोअप कीजिए। नाइट में आप फ़ोन कीजिए कि भाई आज का कल कहाँ आ जाए, कल किधर काम है, वो सब कुछ तो आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन ये दो जन का नंबर लेने के बाद भी आप कार का पैसा पे कीजिएगा, क्योंकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते। बाकी इसमें आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपको महीने में मेरे हिसाब से 10 दिन या 15 दिन काम हो सकता है, या फिर पूरा महीना में काम हो सकता है, डिपेंड्स, श्योर नहीं होता। लेकिन आपको जो पेमेंट है आपको मैं बता देता हूँ, वो 500 से लेके 800 तक बॉयज़ के लिए रहता है, एंड 700 से लेके 1,000 तक गर्ल्स के लिए पेमेंट होती है। लेकिन इसमें जो पेमेंट है वो कैश पेमेंट होती है, डेली आपको पेमेंट मिलती है, या फिर कभी कभी रेयरली कभी कभी 3 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलती है, लेकिन आपको पेमेंट मिल जाएगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता और आपको काम भी मिलेगा। लेकिन डिपेंड्स, कभी हफ्ता 1 वीक काम मिलेगा, कभी 4 दिन में काम मिल सकता है महीने में, कभी 15 दिन में काम मिल सकता है, कुछ श्योर नहीं। जैसे काम वो लोग के पास आता है वैसे हम लोग उसको कॉन्टैक्ट करते हैं और हम लोग काम पर जा सकते हैं। एंड सेकेंड ग्रुप है ये कि जो हिरेन भाई करके ऑर्डिनर है, वो आपको रेगुलर काम देंगे, पूरा महीना आपको काम देंगे, मतलब 25 दिन आपको काम देगी ही देगी 100%। लेकिन उसमें पेमेंट जो है वो 500 रुपीज़ है, आपको डेली का 500 रुपीज़ मिलेगा, और वो भी 500 रुपीज़ आपको मंथ के एंड में मिलेगा, मतलब मंथ टू मंथ का आपका जो हिसाब रहेगा, मतलब 1 से 25 तारीख तक 500 रुपये का हिसाब रहेगा, आपको मंथ एंड में आपको पूरा अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। साथ में हिरेन भाई के साथ काम करके मुझे ये लगा कि वो इसके जो जूनियर आर्टिस्ट आते हैं उसका वो अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। समझो फॉर एग्जांपल के कभी लंच टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो वो समय से बुला के हम लोग का ख्याल रखते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि भाई चलो जाओ, ये नाश्ता कर लो, वो कर लो, इधर आ लो, मतलब एक सिस्टमेटिक वे से वहाँ पे काम होता है। लेकिन पेमेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको रेगुलर काम मिल जाएगा और एक महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। और एक चीज़ इसमें यह है कि अगर आपको समझो बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप हिरेन भाई को बोलोगे तो वो 2-3 हज़ार बीच में आपको दे ही सकते, लेकिन आपको रेगुलर काम मिलेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, आपको चॉइस करना है आपको कहाँ पे जाना है, मीरा रोड में जाना है वो भी अच्छा है,
और ये किरण भाई के थ्रू जाना है वो भी अच्छा है, दोनों ही अच्छा है, लेकिन ये हम लोग के लिए एक मेडिएटर है कि हम लोग को वहाँ पर जाना है, हम लोग को लिंक बनाना है, दोस्ती तैयारी करनी है, सबसे नंबर लेना है, ऑडिशन ग्रुप में हम लोग को ज्वाइंट होना है और उसके बाद ऑडिशन के लिए जाना है। पुलिस स्टेशन है आपने जिया जी के सीरियल्स में देखा ही रहेगा, ये पूरा उसका सेट है, ये जेल जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैमरास है, ऊपर भी आप देख सकते हो ये जो यू नो स्पॉटलाइट लगी हुई है, इस तरह के सारे का सारा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों ये कैमरा का स्टैंड वगैरह सब कुछ लगा है यहाँ पे, ये लाइटिंग के लिए है, तो पूरा यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे पूरा एक माहौल क्रिएट होता है फिल्म सीरियल्स का। और दोस्तों आपको मैं जो बीटा रोड में जहाँ पे आपको कार बनाना है उनका जो एड्रेस है मैं आपको मैं पूरा दे दूंगा, और उसका जो ऑफिस का नंबर है वो भी आपको मैं दे दूंगा, और हिरेन भाई का नंबर भी आपको मैं दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कीजिए और आप अपने हिसाब से आप काम कीजिए। एक्चुअली ये सेट जो है वो मुस्कान सीरियल का है, यहाँ पे यरवड़ा जेल करके वहाँ पे जो सेट लगा हुआ है, ये मुस्कान सीरियल की लीड एक्टर से आप जानते ही हैं इन्हें, एंड अभी आपको मैं मिलाने वाला हूँ मांगीलाल जो जीजाजी सीरियल के कैरेक्टर्स में है, अच्छे एक्टर है काफी। तो दोस्तों आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही, और आपको मैं और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको मुंबई में कहाँ रहना चाहिए, कितना आपको कॉस्ट आएगा, ऑडिशन कहाँ पे होता है, ऑडिशन लिंक क्या होती है, सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो भी है जानकारी मुझे है मैं आपको वो देने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।